और पिछले दो महीने से भी ज्यादा वक्त से भोपाल में धरने पर बैठे अतिथि विद्वानों और अतिथि शिक्षकों के समर्थन में अब कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया उतर आए हैं। सिंधिया ने अपनी ही सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि मैंने अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर चुनाव से पहले भी आवाज उठाई थी और अगर आपकी ये मांग पूरी नहीं होती तो आपके साथ सड़क पर ज्योतिरादित्य सिंधिया खड़ा होगा। सिंधिया ने कहा कि आपकी मांग हमारी सरकार के मैनिफेस्टो में अंकित है, वो मैनिफेस्टो हमारे लिए ग्रंथ बनता है। सब्र रखना, मैनिफेस्टो का एक भी अंक पूरा नहीं हुआ तो आप सड़क पर अपने आप को अकेला न समझना, आपके साथ सड़क पर ज्योतिरादित्य खड़ा होगा। उन्होंने अतिथि शिक्षकों से कहा कि आपकी तलवार भी मैं बनूंगा और आपकी ढाल भी मैं ही बनूंगा। मैंने चुनाव के पहले भी सुनी थी, मैंने आपकी आवाज उठाई थी और ये विश्वास मैं आपको दिलाना चाहता हूं कि आपकी मांग जो हमारी सरकार की मैनिफेस्टो में अंकित है वो मैनिफेस्टो हमारे लिए हमारा ग्रंथ बनता है। सबर रखना, और अगर वो मैनिफेस्टो का एक एक अंक पूरा ना हुआ तो आपके साथ सड़क पर अकेले मत समझना, आपके साथ सड़क पर ज्योतिरादित्य सिंधिया भी उतरेंगे।